ऑक्सीजन सिलिंडर गोटे संजोग करिशु को संपर्क कोल में कुनि कुनि शिशु गोटे वार्ड्रु अ वार्ड को निजा चलाई चलाई आप देखुवा यह दृश्य कौन उपात अंचल नुहे ये हूँ ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकाल शिशुरोग विभाग चित्र सूचना अनुसार विभाग में चिकित्सित होता कि शिशुंर छाती रोग थी जमापड़ा यहाँ शिशु को इको करने डाक्तर परामर्श देते तेज शिशुंर अवस्था गुरुतर थी अक्सीजेन आवश्यकता थी हेले मेडिकल कर्मचारी तीन शिशु को तीन टी ऑक्सीजन लगे बदल में गोटे ऑक्सीजन लगे खाली ऑक्सीजन लगे ऑक्सीजन लगाई संपर्क कोल में शिशु थी बेले प्राय 300 मीटर खालखमा रास्तार चलाई चलाई शिशुरोग वार्ड्रु परीक्षा पर डीसीएच टू को निया गोटे ऑक्सीजन सिलिंडर में तीन जन शिशु को संजोग करने को नहीं शिशु संपर्क भितर भयर वातावरण देखा मिली किंतु एने से मेडिकल कर्मचारी को किसी कहीपारी किंतु एभली कार्य को स्थानीय लोके असंतोष व्यक्त करिसेंते एवं घटना पर तदंत शिशुरोग विभाग में पहुंची शिशुरोग विभाग मुख्य और हॉस्पिटल मैनेजर किंतु से नहीं कि भी प्रतिक्रिया मिल पारे ना छुआर हार्ट प्रॉब्लम नहीं इको करा पे गोटे सिलिंडर दूर किसी ना हाँ हम 200-300 मीटर हम बोले आम तो जानू सत के सिलिंडर निन जन आम टे डाउट क्या गोटे गोटा नौला गोटाए तीन टा पा नौ आम टे नर्वस नहीं चु देख लु बोले खाली कहीदे सर खाली आसते इंक्वायरी आसती इंक्वायरी खाली कर खाली इंक्वायरी एनिक अधिक आलोचना करने सीधासल जा प्रतिनिधि कैलाश बेहरा निकट को कैलाश जी अभावन दृश्य सामना को एमकेसीजी मेडिकल रे ताकु नहीं कि आपण साधारण कौन प्रतिक्रिया पाउछन्ति देखो निहत बंदिता जहाँकि ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल जो शिशु रोग विभाग जो दृश्य देखा मिलता निहत गोटे अभावन घटना और यह दृश्य पूर्व देखा मिल ना वरिष्ठ चिकित्सक मैंने जो घटना को संपूर्ण रूपे एमकेसीजी मेडिकल जो रही कर्मचारी हूँ अथवा डाक्टर हूँ से अवहेला को नहीं यह भाव हत्या नहीं अभोग हो घटना सामना को आसापर साधारण बासीदा ठूँ आरंभ कर जो मैंने स्वेच्छासेवी अच्छे से जहाँकि आशंका प्रकाश कर अवहेला को दायी आम सहित स्थानीय बासीदा अच्छा आलोचना करवा कौन कहे एत बड़ अवहेला तीन जन जीवन प्रति गोटे खेल होती देखुं ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल एत बड़ ब्रह्मपुर मेडिकल को समस्ते चिकित्सा सेवा पाइबा आसुंच किंतु आम देखु जे दैनंदिन रोगी एवं रोगी संपर्क प्रति जो प्रकार गोटे असत व्यवहार आशालीन व्यवहार प्रति आक्रमण यह सब घटना दैनंदिन होवार वर्तमान एमकेसीजी मेडिकल रे आम देखु गत काली अपराह्न रे जो प्रकार घटना घटला यहाँ ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल रो इतिहास रे केबे घटी ना शिशु रोग विभाग शिशु विभाग एमाने जदि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को नेले प्राय 300 मीटर दूर एवं तीन तला बिल्डिंग को सी जीव एपटे शिशु रोग विभाग ओल्लब से अवस्था गोटे तीनोटी शिशु जो माने सीरियस कंडीशन रे अच्छा से मानक ऑक्सीजन लगी तीन जन जाक तीनोटी पाइप दे कि गोटे सिलिंडर रु से माने संजोग करके गोटे कर्मचारी से ऑक्सीजन गैस हांडी से नौची ता पछरे तीनोटी शिशु को तीन जन माँ धरिकी जाऊँच ए प्रकार जो अशोभनीय काली जो घटना आम सब देखिलु एटा अत्यंत दुखदायक एवं दुर्भाग्यवशत एवं यार मुख्य कारण है जे राजनैतिक स्थानुता एक द्वितीय कथा है जे ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल जो कर्तृपक्ष रही एटा को गोटे देहसुआ भाव नहीं देहसुआ भाव नहीं आप कार रोच अवहेला कार रोच परवर्ती कार्यानुष्ठान कौन है आवश्यक आज्ञा बड़ा दुख लगुच सरकार मेडिकल कर्मचारी को मेडिकल डाक्टर मान जो मैंने जेकोसी लोक दोषी करदे मेडिकल डाक्टर मैंने दोष दोष नए दोष दोष
ତାକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମିଥ୍ୟାରେ, ଯେଉଁଟାକ ନିୟମ ନାହିଁ, ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିକିରି ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ, ମେଡ଼ିକାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ଦୈନନ୍ଦିନ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାଲିର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁ, ଏହା ନିୟମର ଅଛି କି? ଯଦି ନିୟମ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କି ପ୍ରକାର ହେଲା? ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ହେଉନି, ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି। ସରକାର ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନେ ଏତେ ଗର୍ବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କରାହେଲା, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହିଲେ ଆମର ଭାଇ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ଆମ ବରହମପୁର କଲେଜରେ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେବ, ଜଣେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯିବା ଏତେ ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପରୁ ତଳକୁ, ତଳ ଉପରକୁ, ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ଏଥିପାଇଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ପଳେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଏମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ହେଉନି, କୌଣସି ଜଣକୁ ହେଉନି, ଏମାନେ ଆଖି ଆଗରେ କ୍ଲିନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠୁ ଓଟି ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିୟମ ବିନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେ ହଉ। ଏତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସହରବାସୀ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ନିହାତି ଏବେ ଗୋଟେ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଖେଳ ହେଉଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ କିଛି ବି ଏଇ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ କିଛି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣକୁ ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତା, ସେମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇକି ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ। ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାସ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।